नमस्कार, आज हम चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 में मौजूद हैं। आज हम युवाओं से उनकी राय जानेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर के। अच्छा, तो जो इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी या किसकी आनी चाहिए? देखो, ऐसे किसी की प्रेडिक्शन करना तो क्या ही कह सकते हैं कि किसकी आ सकती है किसकी नहीं आ सकती, मगर ये कि जोर इस टाइम हर पार्टी दे रही है कि हम जीते हैं हम जीते हैं। बाकी अब ये जनता पे डिपेंड करता है वो किसको वोट करती है या किसको चुनना चाहती है। हालांकि पिछले कई सालों में जनता देख ही चुकी है कौन सी सरकार कितना काम करती है। तो जहां तक मुझे लगता है कि हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, नोटा। अगर जनता नहीं चाहती कि कोई भी सरकार आए तो नोटा को वोट देकर दोबारा से इलेक्शन हेल्ड करवा सकती है और नए कैंडिडेट्स खड़े करवा सकती है, अगर उनको इस टाइम किसी प्रेजेंट पार्टी के कैंडिडेट पर विश्वास नहीं है तो। तो चंडीगढ़ में पिछले 5 सालों में क्या काम हुए और क्या नहीं हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या काम हुए इसके बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मगर इतना जरूर पता है कि जौन सी पार्टी आती है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करती है, मगर वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये उनके काम पर डिपेंड करता है। जैसे लोग कहते हैं कि प्राइवेट अगर काम करवाते हैं तो जल्दी होता है, जहाँ तक सरकारी की बात है तो कहते हैं ढीला काम चलता है और वो कई दिनों तक चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर वही सरकार अगर थोड़ी शक्ति बरते तो सरकार काफ़ी जल्दी अपना काम खत्म कर सकती है और इंडिया काफ़ी जल्दी डेवलप हो सकता है। अच्छा, तो आपको क्या लगा कि पिछले 5 साल में कुछ काम हुए हैं कि या नहीं हुए हैं, या हुए हैं तो क्या हुए हैं? जो पिछले 5 सालों में काम हुए हैं वो हाँ कह सकते हैं कुछ तो हुआ है, मतलब फेरबदल हुआ है। जैसे पहले से थोड़ा स्मार्ट हो गया है चंडीगढ़ सिटी का, मैं इंडिया की बात करूँगा, पहले से स्मार्ट हो गया। अब जगह जगह जहाँ पर एजुकेशन नहीं, अभी भी है कई इलाके हैं जहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं है, मगर अब कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर प्रोवाइड हो चुकी है और सभी को एजुकेशन मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, 8वीं क्लास तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल है। अच्छा, तो चंडीगढ़ में कुछ मुद्दे को और क्या हाईलाइट करना चाहेंगे? चंडीगढ़ में मुद्दे तो या जैसे कि अभी पिछले जनवरी में यहाँ पे चंडीगढ़ में जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ तो चंडीगढ़ का ग्राफ थोड़ा नीचे गिरा, उसके बारे में? हाँ, ये तो है कि मतलब अब चंडीगढ़ है ब्यूटीफुल सिटी कहते हैं, उसे साफ रखने के लिए तो लोगों को कार्य करना पड़ेगा और ये मतलब सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी खुद की भी ड्यूटी बनती है। जैसे पिछले 5 अच्छे दिन की भी बात की जाती है तो आपको अच्छे दिन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यार, अच्छे दिन तो पेपरों के टाइम पे तो अच्छे दिन कहाँ ही आते हैं। नहीं, पेपरों के टाइम पे नहीं, ऐसे इलेक्शन के टाइम पे जब इलेक्शन देने की बात आती है तो लोग इलेक्शन देने की बात आती है तो भी अच्छे दिन तो कहाँ, हर पार्टी कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जोर डालते हैं। जैसे भाजपा ने तो ज्यादा जोर अच्छे दिन पे ही डाला था कि अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। यार, उन्होंने नोटबंदी कर दी, गरीबों के लिए बुरे बन गए दिन। अच्छा, अब जिनके पास थे पैसे जो कर सकते थे उन्होंने पहले करवा लिया, बंदे जो लाइनों में खड़े रहे उनके कहाँ के अच्छे दिन आए। मतलब मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं करूंगा, हालांकि कांग्रेस ने भी काफी चीजें की है, काफी चीजें नहीं की। अब तो ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, वो ये सभी सोच समझ के किसको वोट देना चाहती है और किसको नहीं देना चाहती। अब अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मेरे दिमाग में अभी किसी की कोई इमेज नहीं है। अच्छा, कोई इमेज नहीं है। तो वुमेन सेफ्टी को लेकर के? हाँ, वुमेन सेफ्टी को लेकर के तो हर पार्टी वादा करती है, जब भी कोई भी पार्टी आती है तो। पिछले 5 सालों में अभी क्या ग्राफ रहा है? ग्राफ में रेप केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, रेप केसेस सबसे ज्यादा बढ़े हैं। पिछले साल ही सबसे ज्यादा रेप केसेस बढ़े थे, अभी भी अगर देखा जाए तो रेप केसेस का ग्राफ ऊपर चढ़ता ही जा रहा है धीरे 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 करके। हालांकि जो सी मर्जी सरकार आ जाए, जितने मर्जी वादे कर ले, वुमेन सेफ्टी नहीं है, प्रॉपर सेफ्टी नहीं है। कई हद तक है, कोई निकलता है, कोई नेक इंसान निकल जाता कोई, मगर 10 में से कम आप लगा लो 6 लोग या 7 लोग तो ऐसे हैं जो रेप केस की तरफ जाते हैं। आपका नाम? अरविंद कुमार। तो आप यहाँ पे कौन सी क्लास, क्या फर्स्ट ईयर में? बीएससी फर्स्ट ईयर। तो आप 19 तारीख को चंडीगढ़ में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी। क्यों बीजेपी की? क्योंकि ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने करा है 5 साल में, जीत जाएगी। मतलब किस तरह के काम आपको कुछ पता है? जैसे डिजिटल इंडिया का हो गया, मैंने भी उनके उसमें ही पार्ट लिया था, स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम में। तो कुछ फायदा हुआ उसका? प्रोग्रामिंग सीखी थी। अच्छा, प्रोग्रामिंग सीखी थी। तो क्या लगता है उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी? जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा देखो स्किल इंडिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए शुरू किया ना कि मतलब जॉब मिल जाए, कि लड़के पढ़े उसके बाद कुछ स्किल हो उनके पास तो उनके बाद जॉब मिले। मतलब मैंने इसलिए करा था क्योंकि वैसे तो मैंने रेगुलर कॉलेज करना है, तो ऐसा थोड़ा साथ में एक और क्वालिटी जुड़ जाएगी, इसलिए मैंने करा था। आपका नाम? सुधांशु। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है? मोदी जी। क्यों मोदी जी को?
क्योंकि वही बात है, ओवरऑल काम उनका ज्यादा सही काम है। तो आपको क्या, पांच सालों में अब तक उन्होंने क्या ऐसा क्या देखा आपने, मोदी जी को आना चाहिए वापस? डिजिटल इंडिया और जो ये सोलर प्लांट वगैरह इनके ऊपर काम कर रहे हैं, ये अच्छे हैं। तो चंडीगढ़ में आपको कुछ लगा कि पांच साल में भी भाजपा की सरकार थी, ठीक है, तो आपको क्या लगा कि वहाँ अब तक कुछ काम हो सके हैं? चंडीगढ़ पहले से अच्छा था। नहीं, पहले से तो अच्छा, और कुछ अच्छा क्या लगा आपको? ज्यादा तो ऑब्जर्व करा नहीं, ऑब्जर्व किया नहीं इंडिया को। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? नवनीत शर्मा जो स्कीम्स है पीएमएवाई जिन्होंने लॉन्च किया है उससे भी काफी फायदा हो जाता है। एंड बाकी अपना स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स एंड रजिस्टर लैंड ओवरऑल वर्ल्ड में बॉन्डिंग भी चाहिए होती है। तो बाकी जो भी मतलब की पार्टीज हैं वो कहते हैं कि अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया, नौकरी देने की बात की थी, 2 करोड़ नौकरी देंगे आपका, वो तो सारे थोड़े बहुत करते हैं, मैक्सिमम तो कोई नहीं करता। नहीं, उन्होंने वादा किया था ना भाजपा वालों ने, तो आप मैक्सिमम तो कोई भी नहीं एफर्ट डाल रहा ना, वो तो बस बोलते हैं नीचे नीचे तक आते आते फिर वो लो हो जाते हैं। तो आई थिंक सेकेंड चांस देना चाहिए, सेकेंड चांस देना। और आपका नाम क्या है? परवीन। परवीन, आपका कहाँ कौन सी क्लास? बी ए फर्स्ट में। तो 18 साल हो गए, तो वोटर आईडी कार्ड बन चुका है? नहीं, अप्लाइड है। अच्छा, अप्लाइड है। तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? किसकी सरकार? बीजेपी कांग्रेस में से आती है। हाँ, तो कोई भी दोनों, मतलब की क्या लगता है? हल्का सा लाउड लाउड कांग्रेस आ जाए शायद। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ही की पार्टी है, ऐसी पार्टी। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर क्या सोच है? राहुल गांधी देखा ही नहीं है आज तक, देखा ही नहीं उसे मैंने, देखा ही नहीं, टीवी देखते ही नहीं आप ना, अखबार भी नहीं पढ़ते? हाँ, देखा था एक आध बार, दिखता है फेसबुक पे। तो कुछ मतलब कि सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं पॉलिटिशियन, तो कुछ अपना वो डालते रहते हैं कि हमने ये किया वो किया, तो आपको क्या लगता है कुछ उनमें से आपको प्रभावित किया हो? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं लगा, फिर भी आप वो गए। आपका भाई? मेरा हीरा सिंह बिश। अच्छा, हीरा सिंह बिश, क्या लगता है आपको? बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले आप हैं, क्या लगा आपको? बीजेपी वालों में मोदी जी सबसे बेटर तो ब्रांड है वो इंडिया का, देखो जिसने इंडिया को आगे बढ़ाया काफी, इस पांच सालों में ना काफी कुछ हो चुका है इंडिया में जो पहले नहीं हुआ था। जो नौकरी बोल रहे हैं इसको ना खुद की भी मेहनत चाहिए होती है, ऐसे नौकरी किसको मिलने से रही? मोदी जी तो सिर्फ बता रहे हैं कि ये है, तुमको खुद मेहनत करनी चाहिए। बाकी तो बीजेपी का पक्का है, इस बार क्या आनी चाहिए, हम सब नंबर वन पे ही रहेगी। अच्छा, तो आपको पांच साल में क्या लगा है? अच्छे दिन आगे, अच्छे दिन भी देखो उनकी हिसाब से तुलना करें, 70 साल जो उन्होंने राज किया है कांग्रेस, उनके हिसाब से मोदी ने 5 साल में काफी कुछ करा दिया। अच्छा, 5 साल में काफी क्या? जैसे कि बहुत कुछ कराया था, जैसे इंडिया डिजिटल हो चुका है, काफी गांव में काफी कुछ, जैसे हमारे मैं खुद पहाड़ों से हूँ उत्तराखंड से, काफी कुछ विकास हो चुका है, तो टूरिज्म खास करके टूरिज्म में काफी विकास हुआ था, लोगों को जॉब मिली, जो बंदे जो बाहर पहाड़ों से वो कर रहे थे अपलाइन कर रहे थे वो वापस आ चुके हैं, उनको वहीं पर जॉब मिल रही है अच्छी खासी, बस इससे काफी फायदा हो रहा है। तो भाजपा ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, काम तो अच्छा है, बीजेपी पहले से। कांग्रेस थी वहाँ पे जो हरीश रावत की सरकार थी, हरीश रावत खुद बीजेपी में शामिल होती है, नहीं हरीश रावत के जो बंदे हैं पर्यटन मंत्री, सोच रहा हूँ हरीश रावत अभी तो पिछले आए थे चंडीगढ़ में, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम गगन। गगन, आप बीजेपी? क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी अच्छा काम कर रही है? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, क्या लगा? अच्छा काम कर रही है, जैसे आपको पहले पाकिस्तान से हमारे लड़ाई हुई थी, तो मोदी जी सीधा गए थे 50 में कुछ, पिछले 5 साल से पहले मोदी आया था, 70 साल से पहले कुछ कांग्रेस ने कुछ करी नहीं, बीजेपी आई, तो फिर जो ये अभी गया था पाकिस्तान गया था बंदा। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, IIT IIM एम्स ये सब कुछ नहीं किया, मोदी जी के आने के बाद मोदी जी का वो हो गया ना डिजिटल हो गया। डिजिटल, यही बात है ना कि अब 70 साल में एग्जाम्पल जैसा था, ऐसे
मोदी आया, हमारा एक बंदा पाकिस्तान गया था, वो तो वापिस आ गया था। 70 साल में एक बंदा आया था, वो अभी तक वापिस नहीं आया था, मार दिया था। अच्छा, अब आपने किसकी बात करा, अभिनंदन की? जो वापिस आ गया था। अभिनंदन की बात करें तो जिनेवा कन्वेंशन के बारे में तो पता ही होगा, बिजनेस ऑफ वॉर को अगर आप कोई भी देश पकड़ ले तो उसको छोड़ना ही पड़ता है। पाकिस्तान छोड़ता नहीं ना इंडिया वालों को। पीएम में किसका चारा देते हैं? पीएम में प्राइम मिनिस्टरशिप में आगे जैसे कि कोई भी सरकार, जैसे मान लीजिए कि किसको ज्यादा पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। आपका नाम? मेरा नाम धीरज वर्मा है। अच्छा धीरज जी, 19 तारीख को इलेक्शन होने वाला, आपको क्या लगता है? अभी देखो ये तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो पब्लिक के हाथ में, क्या होना है क्या नहीं होना है सबके अपने अपने। मैं चाहता हूँ सब लोग सोच समझ के, जो भी अपना वोट देना चाहे सोच समझ के दें, सबका अधिकार है इसमें, सभी को पता है, और उसको वेस्ट ना करें किसी भी तरह से। क्योंकि जब हम लोग पेन का एग्जांपल ले लो, जब यूज़ करते हैं, बॉल पेन यूज़ करें, जेल पेन यूज़ करें, जब बंदों की इन सब चीज़ों में चॉइस हो सकती है तो इसमें भी क्यों नहीं चॉइस होती, जब उनको मौका मिल रहा है इस चीज़ का चुनने के लिए, एक तरह का सरकार चुनने के लिए। जब मार्केट जाता है, कोई कहता है पतंजलि का मैगी लेना है कि उसका मैगी लेनी है, पतंजलि लेनी है कि उसका लेना है। अच्छा। उसमें भी बंदे चॉइस रखते हैं ना, तो इस चीज में बंदे चॉइस क्यों नहीं रख सकते कि सरकार कौन सी बनानी कौन सी नहीं बनानी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर के सरकार को काम करना चाहिए, मतलब कि आजकल की या काम नहीं किया है अभी तक? काम जो बेसिकली जो करना चाहिए, हमारे कॉलेज में अब लाखों बच्चे, हमारे देश का ही ले लो, पूरे अपने इंडिया का ले लो, जहाँ पर लाखों बच्चे डेली पढ़ के ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, बट उनको भी आजकल मार्केटों में या पार्क में कहीं बैठे ऐसे देखा जा सकता है, वो बेरोजगार हैं। ये ऐसे से वो बेरोजगार ना रहे, चाहे छोटे मोटे इनको काम मिले, पर काम तो मिलना चाहिए। कि हम नहीं चाहते हमारा देश जो है, जो युवा पीढ़ी है आजकल, जहाँ पर युवा सबसे ज़्यादा अधिक है, तो हम तो यही चाहते ज़्यादातर युवाओं को काम मिले और देश प्रगति करे। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि रोजगार मिला ही नहीं है कि? रोजगार के मामले में देखा जाए तो आजकल प्राइवेट कंपनियां ज्यादा सारा दे रही हैं लोगों को। अच्छा, मतलब अब सरकारी में कोई? सरकारी में ये रहा है कि भागदौड़ है, अगर चार पोस्ट है तो उसके लिए 20,000 बंदे फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि इतनी नौकरियां हैं ही नहीं, क्या करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पंचकुले में निकली थी पोस्ट, अभी निकली थी पियोन की ले लो, छोटी मोटी पोस्ट नहीं, दो पोस्ट थी और 26,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे उसमें। अब बताओ ऐसे ऐसे हाल है, तो नौकरियां भी इस हिसाब से। सरकार से क्या कहना चाहते हो, क्या होना? मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी युवा पीढ़ी है सबको नौकरियां मिलनी चाहिए, सभी बेरोजगार ना घूमे। क्योंकि देखो जो खाली पल होता है बंदे का, खाली समय होता है, शैतान का होता है। आजकल की युवा ज्यादातर इसीलिए बिगड़ रही है क्योंकि वो नशे नुशे कर रही है, बेरोजगार हैं, नशे के लत में घूम रही हैं, यही सब कारण है, रोजगार ना मिलने कारण नशे में जा रहे हैं लोग। किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप, भाजपा की या कांग्रेस? देखो मैं इस मुद्दे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये तो पब्लिक के ऊपर है। मैं तो वही चाहूँगा कि सरकार बने जो ठीक काम करे। अच्छा, तो आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए, क्या मोदी जी अच्छे लगे या कोई और? मोदी जी तो ठीक ही हैं, उन्होंने भी काफी काम किए, जैसे कई प्रगति हुई हमारे देश में, पहले हमारे इंडिया का नाम नहीं था इतना, कम से कम आज नाम हो रहा है, हर जगह नाम हो रहा है, वर्ल्ड में पूरा नाम हो रहा है, कौन जानता था अपने इंडिया में, इंडिया का नाम इतना नहीं था फेमस। तो जो मोदी जी की सरकार थी उससे पहले क्या लगता है आपको, काम नहीं हुआ कि मोदी जी के आने के बाद ही काम हुआ? देखो देश के काम को तो रोका जा नहीं सकता, क्योंकि देश हमारा इंडियन कल्चर ही ऐसा है कि इतने सारे यहाँ पर धर्म के लोग रहने के बावजूद भी हमारा देश चल ही रहा है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। पर इसमें पिसते हैं कुछ छोटे मोटे लोग, जो रिक्शे रेडी वाले हो गए, नॉर्मल लोग, जो एकदम लो क्लास के लोग आते हैं वो बेचारे पिस जाते हैं। बड़े लोगों का तो कुछ है नहीं, जिनका बिजनेस है, कारोबार है, गवर्नमेंट जॉब्स है, उनका तो कोई है ही नहीं। वो एक क्वेश्चन तो और है, हाँ। जो आजकल है कि वुमेन को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर या वुमेन सेफ्टी को लेकर, हाँ। क्या लगता है आपको कि अच्छी हुई है कि या और खराब हो चुकी है वुमेन सेफ्टी? तो वैसे तो ज्यादातर देखा जाए तो आजकल ठीक ठाक ही है, उतना नहीं रहा, बट कहीं स्लम एरिया में या थोड़ी जगह में अभी है जहाँ पर वुमेन्स को लेकर काफ़ी, जैसे शाम के टाइम में कई कॉलोनीज एरिया हैं जैसे, वहाँ पर महिलाएं नहीं निकल पाती हैं शाम को, वो थोड़ा सेफ नहीं फील करती अपने आप को, 8-9 बजे के बाद घर वाले खुद ही मना कर देते हैं कि बाहर मत जाओ या ऐसा ऐसा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए एक तरह से वैसे तो। कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ चंद्र प्रकाश नीरज की रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी के लिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।